हेलो दोस्तों, मैं हूं अली और आज हम बात करेंगे कोरियन स्टूडेंट के डेली रूटीन के बारे में। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। 6:30 बजे होती है दिन की शुरुआत और अपना फ्रेश व्रेश होकर नाश्ता वास्ता कर रेडी हो जाते हैं स्कूल के लिए। स्कूल होता है 8 बजे नॉर्मली हमारी तरह, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं होता क्योंकि स्कूल के फर्स्ट पीरियड में आपको बहुत से बच्चे सोते हुए मिलेंगे। और हैरानी की बात तो यह है कि वहाँ के टीचर उन स्टूडेंट को ना ही जगाएंगी और ना ही डांटेंगी, क्योंकि साउथ कोरिया में एक ऐसा रूल है कि अगर स्कूल के अंदर कोई भी बच्चा सो रहा है तो उसे जगाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर ऐसा रूल अपने इंडिया में होगा तो आप सोच सकते हैं ना कि क्या होगा। समझ रहे हैं ना क्या होगा? कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए कि क्या होगा। स्कूल खत्म होता है 4 बजे, पर कोई भी बच्चा 4 बजे घर नहीं जाता क्योंकि वो सभी जाते हैं स्कूल की लाइब्रेरी में, क्योंकि अब टाइम हो गया है याजा का। याजा का मतलब होता है इवनिंग सेल्फ स्टडी। आप सोच रहे होंगे कि सेल्फ स्टडी तो घर पर भी हो सकती है, लेकिन घर वालों और स्कूल वालों का मानना है घर जाने के बाद कोई भी बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। इसीलिए उन सभी बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो सभी याजा करें, लेकिन घर पर नहीं, स्कूल में। और ये बिल्कुल कंपलसरी है, मतलब कि बिल्कुल ज़रूरी है। 4:30 बजे से 7 बजे तक करते हैं याजा और फिर बजती है एक बेल। लेकिन ये बेल छुट्टी की नहीं होती, ये बेल होती है डिनर टाइम की। सभी बच्चों को डिनर फ्री में मिलता है और 7 बजे से 8 बजे तक सभी बच्चे करते हैं डिनर और थोड़ा सा आराम। 8 बजे फिर से एक और बेल बजती है। और आप बता सकते हैं ये किसकी बेल है? जी नहीं, ये छुट्टी की नहीं है, ये बेल है कि आपको दोबारा लाइब्रेरी में बुलाया गया है। 8 बजे से 10 बजे तक आपको फिर से करना है याजा, यानी कि मेरे तो लग गए, और फिर 10 बजे फाइनली एक बेल बजती है जो होती है, जी हाँ, छुट्टी की। लेकिन घर जाने के लिए नहीं। आखिर कहाँ जाते हैं सारे स्टूडेंट स्कूल के बाद? जाते हैं हेगवान स्कूल। जी हाँ, फिर से एक और स्कूल। लेकिन इस स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है रट्टा मारना। जी हाँ, रट्टा मारना। यहाँ के टीचर का यही काम होता है। और कोरिया में हेगवान स्कूल के टीचर किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होते। 10 बजे से 1 बजे तक जाते हैं हेगवान स्कूल और फिर फाइनली, सच्ची वाला फाइनली, सभी बच्चे जाते हैं अपने घर। और यही है साउथ कोरियन स्टूडेंट का डेली रूटीन। लेकिन जाने से पहले आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर ये सारे स्टूडेंट इतना ज़्यादा क्यों पढ़ रहे हैं? रीज़न है सुनियन एग्ज़ाम, साउथ कोरिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है कि आप मानोगे नहीं कि इस एग्ज़ाम के दिन साउथ कोरिया के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं उड़ता। 8 घंटे का होता है ये एग्ज़ाम, जिसके लिए सारे स्टूडेंट इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर सारे जूनियर पोस्टर और तालियों के साथ अपने सीनियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए खड़े रहते हैं। सुनियन एग्ज़ाम पूरा होने के बाद सारे स्टूडेंट अपनी भड़ास निकालने के लिए सारी अपनी बुकें फाड़ कर फेंक देते हैं। ये काफ़ी अजीब है, लेकिन ये सच है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।